अस्सलामुअलैकुम। सूरत रहमान सुनने से पहले मेरे अंदर गुस्सा बहुत था और जल्दबाजी हर काम में, हर बात में, और बेचैनी और सुकून की कमी थी। हालांकि नमाज, रोज़ा, सब जो जो कर सकते थे या जो करते थे, जो रूटीन पे कुरान पढ़ना और सब मामला, लेकिन इन चीज़ों में से गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था और बात बात पे गुस्सा करता था। और कोई भी बात, कोई काम होता था, इतनी जल्दी जल्दी में करता था जिससे मेरे काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाया करते थे या मुझे नुकसान बहुत होता था और मेरी वजह से लोगों को तकलीफ़ बहुत होती थी। फिर मुझे सूरह रहमान का पैगाम मिला। सूरह रहमान सुनने से मेरे वजूद में सुकून आना शुरू हुआ। तहम्मुल और हर चीज़ को ठहराव के साथ करने का एक मेरे अंदर अपने आप से लड़ता था और मैं थोड़ा सा उसको सुकून से काम करने लगा और गुस्सा एकदम नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन गुस्से में कमी होने शुरू हो गई। मैं आप सबसे यही इल्तमास करूँगा कि आप ज़रूर सूरह रहमान सुने, और ना कि सुने बल्कि इंसानियत से प्यार के जज्बे के साथ इस पैगाम को इंसानियत तक, दुखी इंसानियत तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। समात सूरह अर-रहमान के पैगाम को यकसुई से सुने और इसे सिसकती इंसानियत तक पहुंचाएं। सूरह अर-रहमान सुने और इसे फैलाएं।